दिल्ली की राजनीति में सक्रिय और विवादों में रहने वाले राज्यसभा सांसद व आप नेता संजय सिंह पर ईडी की तलवार लटक रही है। जिस तरीके से वह मुखर होकर मोदी सरकार के खिलाफ अपना निशाना साधते हैं और उनके खिलाफ नजर आते हैं, कई बार उन्होंने मीडिया के सामने ईडी पर भी निशाना साधा है। जब उनका नाम ईडी ने गलती से अपने दस्तावेज में लिख दिया था और उनसे माफ़ी मांगी थी, तभी से वह लगातार ईडी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। कई बार वह सबूतों के साथ भी पेश आए हैं और इसलिए लगातार वह राजनीति में चर्चा में रहते हैं। जब वह राज्यसभा के लिए चुने गए तब भी बड़ा विवाद हुआ था। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आगे इनको चुनकर राज्यसभा में लाए थे और लगातार तभी से वह केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर अब ईडी और सीबीआई की तलवार लटक रही है और ऐसा हो सकता है कि उनकी जल्दी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बीच उनकी संपत्ति का एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास कुल चल संपत्ति 59,499 रुपये है। वहीं चल संपत्ति के मामले में उनकी पत्नी बहुत आगे है। संजय सिंह की पत्नी के पास 610,014 रुपये की चल संपत्ति है। संजय सिंह ने हलफनामे में बताया कि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, वो यह बड़ा दावा करते हैं। संजय सिंह के 3 बैंक अकाउंट हैं जिसमें कुल जमा रकम 16,100 रुपये है। वही पत्नी के पास भी 3 बैंक अकाउंट हैं जिसमें कुल 27,000 रुपये जमा हैं। साथ ही 4,27,000 रुपये की कीमत के सोने की भी घोषणा हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय सिंह के खिलाफ मानहानि समेत 4 केस दर्ज हैं। इसके साथ ही संजय सिंह पर 13 FIR भी दर्ज हैं। संजय सिंह लगातार दिल्ली की राजनीति में सरपट दौड़ रहे हैं और केंद्र सरकार के निशाने पर भी रहते हैं। जब भी केंद्र सरकार के मंत्रियों को मौका मिलता है तो वह संजय सिंह को लताड़ लगा देते हैं और दोनों केंद्र सरकार और संजय सिंह के बीच तनातनी बनी रहती है, जो दिल्ली की राजनीति का बड़ा हिस्सा है। और इस बीच उनकी संपत्ति का बड़ा खुलासा हुआ है जिसके ऊपर लगातार सीबीआई ईडी भी नज़र रखे हुए हैं और ऐसा हो सकता है जिस तरीके से वे लगातार केंद्र सरकार को एक्सपोज करते हैं और उनके बाकी पार्टियों के मंत्री भी जो हैं जेल में हैं, जिनके ऊपर शराब घोटाले के मामले चल रहे हैं, या पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन हो जिनके ऊपर भी कई मामले चल रहे हैं, और इस बीच उनका ये बड़बोलापन उनके ऊपर भारी पड़ सकता है और जल्द ही ईडी और सीबीआई उनके ऊपर बड़ा फैसला ले सकती है और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है।